नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। ग्वालियर में एक फौजी की पत्नी को फेसबुक फ्रेंड ने ठग लिया। दोस्त 3 लाख के जेवर और पैसे लेकर फरार है। फौजी की पत्नी परेशान होकर अब थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब ठग दोस्त को तलाश रही है। फौजी की पत्नी के फेसबुक पर इस ठग से दोस्ती हुई थी। बात इतनी बढ़ी कि घर आना जाना शुरू हो गया। फौजी की पत्नी ने फिर अपने इस एफबी फ्रेंड को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में भी घर पर इनवाइट किया था। इसी दोस्ती का ठग ने फायदा उठाया और एक शादी में जाने का बहाना बनाकर फौजी की पत्नी से जेवरात और नकदी उधार मांगा। फौजी की पत्नी ने उसे 3 लाख रुपए के जेवरात और 25,000 रुपए नगद दे दिए। अब एफबी फ्रेंड ना तो जेवरात लौटा रहा है ना नकदी वापस दे रहा है। आखिरकार फौजी की पत्नी ने महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फौजी की 23 साल की पत्नी ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। फौजी पति कश्मीर में तैनात हैं। साल भर पहले फौजी की पत्नी के फेसबुक पर मुनिंद्र लोधी नामक युवक से दोस्ती हुई थी। फेसबुक की दोस्ती धीरे धीरे व्हाट्सएप चैटिंग तक पहुंच गई। एक दूसरे के घर आने जाने का पारिवारिक रिश्ता हो गया। 10 अक्टूबर 2020 को मुनिंद्र फौजी के घर आया और बताया कि उसे अपनी पत्नी के साथ एक शादी में जाना है जिसके लिए जेवर की जरूरत है, लिहाजा दोस्त होने के नाते आप मदद करें। फौजी की पत्नी ने अपनी सोने की चेन, पति की सोने की चेन, एक बाजूबंद और एक जोड़ी इयररिंग्स दे दिए। 5 दिन बाद 15 अक्टूबर 2020 को फौजी की पत्नी को गांव जाना था, लिहाजा उसने मुनिंद्र को फोन कर जेवरात वापस देने को कहा। तब मुनिंद्र ने बताया कि वो शहर से बाहर है, 2 दिन बाद आकर जेवरात लौटा देगा। लेकिन मुनिंद्र ने जेवर वापस नहीं किए, वो बहाने बनाकर टालता रहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।